फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिसाइटेक यूट्यूब चैनल। हम लोग क्लास टेंथ के सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के जो है वो चैप्टर नंबर 2 यानी कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के कुछ लेक्चर्स कर लिए थे कंप्लीट, 6 लेक्चर्स हो चुके थे। अगर आप लोग वो नहीं देखे हैं तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, साथ में आई कार्ड में भी आपके स्लाइड हो रहे हैं, आप उसमें जाकर के आप देख सकते हो 6 वीडियोस को। और 6 वीडियोस तक हमने एसिड के जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में, उनके यूजेस के बारे में पढ़ लिया था, उनके क्लासिफिकेशन डिफरेंट बेसिस पे हमने क्लासिफाई भी कर लिया था। तो इस वीडियो में क्या होने वाला है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड, जो कि आपके सिलेबस से थोड़ा सा हटके है, बट जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया है कि सीबीएसई और आईसीएसई दोनों को कंबाइंड करके मैं पढ़ा रहा हूं, सो दैट्स व्हाई मुझे ये पढ़ाना पड़ेगा और आप लोग पढ़ लोगे तो कोई नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। इस वीडियो के अंत में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आप जवाब कमेंट सेक्शन में आप लिख करके भेजना कि क्या आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। मतलब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा किसी टॉपिक से रिलेटेड कि मैं उस पर वीडियो डिटेल में बनाऊ या नहीं बनाऊ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो जो है वो है प्रिपरेशन किस चीज का है, ये क्लास टेंथ का वीडियो लेक्चर है, सीबीएसई वालों बच्चों के लिए या फिर आईसीएसई वालों के लिए भी है, दोनों के लिए है। और चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर 7 है ये एसिड बेस एंड सॉल्ट का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स, नॉट बेसिस। बेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जब बेस के बारे में कंप्लीटली हर एक इंट्रो हो जाएगा उसके बाद फिर उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे भी आएंगे, बट यहाँ पे फिलहाल हम लोग एसिड के प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेस सॉरी एसिड्स ना एसिड्स 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 ठीक है। तो इसमें क्या आता है, इसमें सबसे पहला मेथड आता है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का, ठीक है। यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहला चैप्टर में मैंने पढ़ाया था एडिशन रिएक्शन जिसको बोलते हैं, या उसको सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर में आता है मेथड, उसका नाम है बाय सिंथेसिस। अच्छा, सिंथेसिस को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन बोलते हैं, है ना, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और दो सब्सटेंस जो मिलता है तो उसको बाइनरी कॉम्बिनेशन भी कह सकते हो, ठीक है। तो बाइनरी एसिड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और यहाँ पे जितने भी एसिड्स होंगे वो सारे के सारे हाइड्रा एसिड बनेंगे, ठीक है, ऑक्सी एसिड नहीं बनेंगे। मीन्स कि इस मेथड से जो है वो केवल और केवल कौन सा एसिड बन सकता है, हाइड्रा एसिड बन सकता है, ठीक है, इस मेथड से ऑक्सी एसिड नहीं बन सकता है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। एग्जांपल के तौर पे क्या बोला है, सिंथेसिस करो, कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरी मतलब कॉम्बिनेशन करके बनाओगे बाइनरी एसिड या फिर हाइड्रा एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हो आप, ठीक है। चलो तो ध्यान से सुनना, हाइड्रा एसिड में क्या रहता है, तो एक कंपोनेंट हमारा हाइड्रोजन होता है और दूसरा कंपोनेंट ऑफकोर्स मेटल तो होगा नहीं, नॉन मेटल होगा, ठीक है ना, क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे, ठीक है। तो नॉन मेटल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हाइड्रा एसिड्स का फॉर्मेशन करेगा, ऑक्सी एसिड तो बनाएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हाइड्रा एसिड और ऑक्सी एसिड क्या होते हैं ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, इस लेक्चर का नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और साथ में प्रीवियस जो 6 वीडियो लेक्चर्स थे उसके भी नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप उसको डाउनलोड करके और फिर उससे अच्छे से पढ़ाई कर सको, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल पे आते हैं, वक्त ना जाया करते हुए, हाइड्रोजन का एलिमेंटल स्टेट गैस होता है आप सभी लोग जानते हो, तो एलिमेंटल स्टेट लिख दो आप। उसके बाद नॉन मेटल हमारा फ्लोरीन है तो फ्लोरीन क्या होता है, गैस होता है, तो क्या बनेगा, यहाँ पे HF का फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और जब आप इसको पानी में डाल दोगे तो पानी में आपको पता ही है ये H+ रिलीज करेगा और ये एसिड कहलाएगा, फिलहाल इसका नाम हाइड्रोजन फ्लोराइड
क्लोराइड है, जब पानी में डालोगे तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। नाम कैसे लिखा जाता है हाइड्रा एसिड का, ये भी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हो चुकी है, तो आप उसको जाकर के देख लेना, ठीक है। सेकेंड नंबर, अगर हमारा हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ, क्लोरीन गैस के साथ, तो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाएगा। इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी ये गैसियस स्टेट में है, तो जब ये एक्वस स्टेट में रहेगा मींस पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, तो इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहेंगे, और तब ये अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। फिलहाल तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो आखिर बन गया ना हमारा एसिड, इसको सिर्फ पानी में तो डालना है, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से ये बन रहे हैं। और भी एग्जांपल है, ये सारे के सारे हाइड्रा एसिड है, जिस एसिड में ऑक्सीजन नहीं हो उसको हाइड्रा एसिड कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़े तो क्लोरीन हो गया, उसके बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन जो है वो ब्रोमीन वेपर है, ठीक है। ये ब्रोमीन यहाँ पे, ब्रोमीन का फिजिकल स्टेट लिक्विड स्टेट होता है, लेकिन यहाँ पे जो ब्रोमीन है वो गैसियस स्टेट में है, मतलब ब्रोमीन वेपर है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? HBr का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। HBr का, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, या जब ये पानी में घुला हुआ रहेगा तो इसको हाइड्रोब्रोमिक एसिड कहेंगे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर जो होता है वो, जब हाइड्रोजन गैस आयोडीन वेपर के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ? आयोडीन वेपर के साथ, ठीक है। आयोडीन यहाँ पे गैसियस स्टेट में है, जबकि इसका फिजिकल स्टेट सॉलिड स्टेट है, तो यहाँ पे बनाता है HI का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और जब ये एक्वस स्टेट में रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोआयोडिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, जब पानी में डिसॉल्व रहेगा। तो फिलहाल क्या है? हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड है, ठीक है। समझ में आ गई बात है? तो ये सारे के सारे एग्जांपल है। क्या सिर्फ हैलोजन ग्रुप ही इसमें आ सकते हैं, और कोई नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। सल्फर के साथ भी रिएक्शन आप करवा सकते हो, डेफिनेटली करवा सकते हो, ठीक है। ये चार रिएक्शन हो गया, स्क्रीनशॉट लेते रहना, बाकी नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। जो भी मर्जी है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट्स डाउनलोड कर लो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइव नंबर, हाइड्रोजन गैस जब रिएक्ट करेगा सल्फर के साथ तो क्या प्रोड्यूस करेगा? सल्फर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। रोटेन एक स्मेल होता है, ये बहुत ही सफोकेटिंग गैस होता है, तो ये जो है ये भी हमारा हाइड्रा एसिड है, ठीक है। इसको तुम जब ये पानी में घुलेगा तो इसको हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड कह सकते हो, या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड के नाम से अभी फिलहाल ये जाना जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा पहला नंबर मेथड, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, एसिड का फॉर्मेशन किया। कब? जब हाइड्रोजन को क्या किया हमने, नॉन मेटल के साथ हीट किया, तब जाकर के इसका फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, हाइड्रा एसिड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेकेंड नंबर मेथड की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकेंड नंबर मेथड जो है हमारा, वो कह रहा है बाय द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विद वाटर, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन करने के लिए बोला है। दैट मींस कि यहाँ पे क्या होगा कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होंगे और जो सोल्यूबल होंगे वही रिएक्ट करेंगे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। जितने भी नॉन मेटल होते हैं उसको अगर हम उसको या उसके किसी कंपाउंड्स को जब हम गर्म करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो उनके ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। किसके ऑक्साइड का? नॉन मेटल के ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये नॉन मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है या एसिडिक नेचर का होता है, इस बात को प्रूव करना है तो इसको पानी में हम लोग डाल देते हैं। पानी में डालने के बाद क्या होता है, एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। अगर वो डिसॉल्व होने वाला है तो, मतलब जो नॉन मेटल का ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व हो सकता है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो वो डिसॉल्व होगा पानी में और एसिडिक सॉल्यूशन का ही फॉर्मेशन करेगा। कभी भी वो बेसिक ऑक्साइड का, मतलब बेसिक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं करता, याद रखना। अगर नॉन मेटल का ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होने वाला है, ठीक है, तो वो हमेशा एसिडिक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि एसिड का प्रिपरेशन करेगा। इससे ये बात प्रूव हो जाता है कि ऑल द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, मतलब जनरली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, लेकिन कुछ ऐसे भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स है जो पानी में घुलते नहीं है, पानी में डिसॉल्व नहीं करते, दैट मींस कि पानी से वो रिएक्ट नहीं करते हैं। तो उस तरह के ऑक्साइड ना तो एसिडिक सॉल्यूशन का, खैर बेसिक सॉल्यूशन तो वैसे भी नॉन मेटल बनाता नहीं है, तो एसिडिक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, तब उस तरह के ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जनरली क्या होते हैं? जनरली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स
विच आर सोल्यूबल इन वाटर, जो पानी में घुल सकते, याद रखना इस कंडीशन को, विच आर सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, कैन फॉर्म, कैन फॉर्म एसिडिक सोल्यूशन, एसिडिक सोल्यूशन, ठीक है, विच टर्न्स, विच टर्न्स ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ये रेड में, क्योंकि एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है, रेड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, समझ में आ रही बात है। जनरली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो सोल्यूबल होता है पानी में, वो बना सकता है एसिडिक सोल्यूशन जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर सकता है। हेंस हेंस वी कैन से दैट, वी कैन से दैट, हम लोग ये कह सकते हैं कि द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स कह सकते हैं क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा, इफ इट इज, इट इज डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, अगर ये पानी में घुलता है तो, समझ में आ गई बात है, अगर ये पानी में घुल जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, एसिडिक ऑक्साइड कहेंगे, ठीक है, और जो पानी में ना घुले उसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूट्रल ऑक्साइड बोलेंगे, जो पानी में नहीं घुलेगा वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रल ऑक्साइड कहलाएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं द इनसॉल्युबल, द इनसॉल्युबल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स नेवर फॉर्म, नेवर फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, किसी भी तरह का सॉल्यूशन नहीं बनाता है, ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन, सो दे आर, दे आर सेड टू बी, दे आर सेड टू बी न्यूट्रल, दे आर सेड टू बी न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ठीक है, चलो अब जानते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन कौन होते हैं। तो न्यूट्रल ऑक्साइड में आ जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड विच इज ऑल्सो कॉल्ड लाफिंग गैस, एंड साथ में यहाँ पे हो जाएगा वाटर इटसेल्फ, वाटर खुद हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो वाटर भी नॉन मेटल का ही ऑक्साइड है, कहने का मतलब नॉन मेटल यहाँ पे हाइड्रोजन है तो उसी का ऑक्साइड है, ठीक है ना, तो ये सारे के सारे ऑक्साइड जो है ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। अब एसिडिक ऑक्साइड कौन कौन हो सकता है आप जरा वो बता दीजिए, तो डेफिनेटली बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसमें एसिडिक ऑक्साइड कौन कौन होगा, कैसे पहचानेंगे, तो ये चारों को छोड़ देना, बाकी जो मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं वो एसिड का होगा, ठीक है, ये सारे के सारे इनसॉल्युबल होते हैं, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे कौन कौन है जो पानी में घुल सकता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है हमारा, चेक करना है कि ये क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है या बेसिक ऑक्साइड है, तो इसको पानी में डाल देंगे, पानी में डालते हैं ये एक एसिड का सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। अब हमको कैसे पता चलेगा कि एसिड बना है कि बेस बना है, उस जार में या उस टेस्ट ट्यूब के अंदर लिखा थोड़ी रहता है कि वो एसिड है कि बेस है, तो क्या करेंगे, उसके लिए इंडिकेटर बना हुआ है ना, हाँ, तो बस वहां पे क्या करेंगे, ब्लू लिटमस डालेंगे उस सॉल्यूशन में और देखेंगे रेड हो गया, दैट मींस कि एसिड का फॉर्मेशन किया, तो जिस मेटल के ऑक्साइड को पानी में घुलाने पर, डिसॉल्व करवाने पर क्या बना, यहाँ पे एसिडिक सॉल्यूशन बना, मतलब वो ऑक्साइड क्या था, एसिडिक ऑक्साइड था, ठीक है। और ये कैसे होता है ये आप लोग जानते हो, अगर किसी गैस को लिक्विड में घुलाना हो, डिसॉल्व करवाना हो, तो क्या करना चाहिए, वहां पे टेम्परेचर मस्ट बी लो एंड प्रेशर मस्ट बी हाई, प्रेशर ज्यादा होगा तभी तो सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ेगी, तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर इंक्रीज होता है जब प्रेशर बढ़ाया जाता है और जब टेम्परेचर घटाया जाता है, ठीक है, ये बात हो गई। चलो दूसरा नंबर एग्जांपल, जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, बिना हवा के, यानी कि बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वाटर में डिसॉल्व होता है तो बनाता है सल्फ्यूरस एसिड, क्या बनाता है, सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड, और इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, कार्बोनिक एसिड है ये, और ये क्या है, सल्फ्यूरस एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तीसरा नंबर, जब यही सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वाटर में डिसॉल्व होता है तब जाकर के सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, क्या करता है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, क्यों करता है बताता हूं मैं, ये सल्फर डाइऑक्साइड जब ये ऑक्सीजन से डिरिएक्ट करता है तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब सल्फर ट्राइऑक्साइड को देख लो इक्वेशन,
सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को जब हम लोग क्या करते हैं वाटर में डालते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को जब हम वाटर में डालते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड को ये ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीडाइज करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता, वाटर में जाते ही ये सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर डायरेक्टली सल्फर ट्राइऑक्साइड को पानी में डालने पर भी सल्फ्यूरिक एसिड की ही प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे हमने देखा नॉन मेटल का ऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड, सारे के सारे नॉन मेटल के ऑक्साइड है, और किस चीज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एसिडिक सोल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब ये सब आपस में क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। क्लियर है, और भी एग्जाम्पल है मेरे पास, चलो और भी एग्जाम्पल कर लेता हूं इसके बेसिस पे, और भी एग्जाम्पल है मेरे पास, तो ये चीजें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, ये फोर नंबर एग्जाम्पल हो गया था ना, फाइव नंबर एग्जाम्पल P2O5, इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। चलो हमको चेक करना है कि ये जो P2O5 है ये एक कौन सा एसिड, मतलब ऑक्साइड है, एसिडिक या बेसिक है। तो जब हम फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, तो पेंटोक्साइड डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है, या फिर इसका एक और नाम हो सकता है डाइफॉस्फोरस, डाइफॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड हो सकता है, ठीक है, या इसका एक और नाम हो सकता है, फॉस्फोरस का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +5 में रहता है, ठीक है, तो इसीलिए तुम यहाँ पे एक और नाम इसको लिख दे सकते हो तुम, ठीक है, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस पॉजिटिव 5 में, 5 ऑक्साइड, ऐसा भी तुम लिख सकते हो, ठीक है, फॉस्फोरस 5 ऑक्साइड, इस तरीके से भी तुम लिख सकते हो। तो जब ये पानी में आया तो फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन किया, दैट मींस कि ये एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये सब हमने अभी जो भी देख रहे हैं हम लोग, वो क्या कर रहे हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड को पानी में डिजोल्व करवा करवा के चेक कर रहे हैं। तो 5 नंबर ये हो गया, कि और भी एग्जाम्पल इसकी हो सकते हैं, डेफिनेटली और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड हो गया। अब बात करते हैं फॉस्फोरस के ही ट्राइऑक्साइड के बारे में, ठीक है, 6 नंबर है P2O3, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड, क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड। तो जब इसको हम लोग पानी में डालेंगे तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड H3PO3 का फॉर्मेशन करेगा, मतलब फॉस्फोरिक एसिड नहीं बल्कि फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मेशन करेगा, फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड बोलेंगे, या फिर इसको डाइफॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड बोल सकते हो, या फिर इसको तुम बोल सकते हो फॉस्फोरस, क्योंकि यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो रोमन नंबर में 3 कर देंगे और ऑक्साइड लिखेंगे, ठीक है, ये भी एक नाम लिखने का तरीका होता है, IUPAC नेमिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, तो ये हो गया, तो ये भी एसिडिक ऑक्साइड है। 7 नंबर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, 7 नंबर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब हमको देखना है कि ये जो नाइट्रोजन है ये तो नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये चेक करना है हमको कि ये एसिडिक होता है कि नहीं होता है, अगर ये चेक करना है हमको तो क्या करेंगे, पानी में डिजोल्व करवा देंगे। जैसे ही पानी में डिजोल्व करवाएंगे ये क्या करेगा, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, साथ में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस का भी फॉर्मेशन करता है। तो इसको बैलेंस करना है तो 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे ख्याल से हो जाएगा ये बैलेंस, ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो इससे ये भी पता चला कि नाइट्रोजन का मोनोऑक्साइड, ध्यान से सुनना, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो न्यूट्रल होता है, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक होता है, क्योंकि इसने एसिड का फॉर्मेशन किया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, नाइट्रोजन के और भी ऑक्साइड होते हैं, जैसे नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, ठीक है। अब हमको ये चेक करना है कि क्या ये एसिडिक होता है या ये भी न्यूट्रल है, तो जाहिर सी बात है ये पानी से रिएक्ट कर लेता है और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन ये भी करता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इक्वेशन बैलेंस है हमारा, ठीक है, और बिल्कुल बैलेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन किया, यानी कि नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड भी, ध्यान से सुनना, जैसे P2O5 होता था वैसे ही N2O5 है, तो P2O5 को क्या बोलते थे, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसको हम बोलेंगे नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो ये भी नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन किया, मतलब ये भी क्या था, एसिडिक ऑक्साइड ही था। तो कोई भी एसिडिक ऑक्साइड है या न्यूट्रल ऑक्साइड है या बेसिक ऑक्साइड है उसको अगर जानना है तो उसको पानी में डाल दो, अगर एसिडिक ऑक्साइड होगा तो एसिडिक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा और ब्लू लिटमस को
रेड में कन्वर्ट कर देगा। बेसिक सॉल्यूशन होगा तो वो क्या करेगा, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, और जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा वो रिएक्ट करेगा ही नहीं, वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें से पता लगा सकते हो तुम कि एसिडिक है या फिर बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। ठीक है, तो हम लोगों ने एसिड का प्रिपरेशन का दो मेथड तो बिल्कुल भी पढ़ लिया है, अब तीसरे मेथड की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना इस मेथड की एक और खास बात, अभी मैंने बताया था टर्म कंडीशन वाली, कि जो नॉन मेटल का ऑक्साइड पानी में सोल्यूबल होगा वही एसिडिक सॉल्यूशन बना सकता है और वही एसिडिक ऑक्साइड कहलाता है, जो पानी में इनसॉल्यूबल होगा वो नहीं बनाएगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं देगा, न्यूट्रल का न्यूट्रल ही रहेगा उसका, उसके सॉल्यूशन का पीएच, ठीक है, और वो न्यूट्रल ऑक्साइड का मतलब न्यूट्रल ऑक्साइड कहलाएगा, और वो चार तरह के ऑक्साइड थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट तीसरा नंबर मेथड हमारा क्या है, इसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर जो मेथड कह रहा है वो है एसिड के प्रिपरेशन का तरीका, बट वो जो है वो थोड़ा डिफरेंट वे में है। तो तीसरा नंबर तरीका है, तीसरा नंबर तरीका है हमारा बाई ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स लिख सकते हो विद नॉन मेटल्स विद ऑक्सी एसिड्स। अब ध्यान से सुनना, कुछ ऑक्सी एसिड्स जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, वो मेटल को तो ऑक्सीडाइज कर ही देते हैं, और वैसे मेटल खुद ऑक्सीडाइज हो ही जाता है, मेटल हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, तो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, ये मेटल के अंदर की प्रॉपर्टी है तो है। ठीक है, लेकिन ये जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये इतने पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं कि ये मेटल को तो ऑक्सीडाइज करते ही है, साथ में नॉन मेटल को भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं, लेकिन सबको नहीं। तो चलो अब ध्यान से सुनते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, तो नॉन मेटल कुछ ले लेते हैं और उसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो ऑक्सीडेशन करवाने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए ना, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन, ऑक्सी एसिड्स है। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं कि क्या वाकई में ऐसे प्रोसेस से बन सकता है, तो ठीक है देखते हैं हम लोग एग्जांपल, है ना। तो ऑक्सीडेशन नॉन मेटल और ऑक्सी एसिड्स का यहाँ पे होगा, तो पहले मैं जनरल इक्वेशन लिख देता हूं, नॉन मेटल है और इधर क्या है हमारा ऑक्सी एसिड है। ठीक है, नॉन मेटल है और सारे ऑक्सी एसिड्स में काबिलियत नहीं होती है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो काफी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसीलिए इसमें पावर होता है। तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, किस चीज का फॉर्मेशन होगा, तीन चीज का फॉर्मेशन होगा, एसिड का साथ में वाटर का और साथ में ऑक्साइड का। ठीक है, जो भी नॉन मेटल है उसके ऑक्साइड का, तो तीन चीज का फॉर्मेशन होगा अगर हम ये करेंगे तो। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, सबसे पहले बिना एग्जांपल के तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो अगर नॉन मेटल मेरा सल्फर है, ध्यान से सुनना, अगर नॉन मेटल मेरा सल्फर है और एसिड जो है हमारा नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। दूसरा नंबर है हमारा एग्जांपल कि नॉन मेटल अगर आयोडीन है और एसिड जो है हमारा वो भी नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, समझ में आ रही बात है। चलो तीसरा नंबर भी लिख ले रहा हूं मैं, ठीक है, कि अगर तीसरा नंबर हमारा नॉन मेटल फॉस्फोरस हुआ और वो रिएक्ट कर रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ, तो क्या क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा। तो सल्फर, अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा था कि जब नॉन मेटल ऑक्सी एसिड्स के साथ ऑक्सीडाइज होगा तो एसिड का प्रिपरेशन करेगा, वाटर का और साथ में ऑक्साइड का भी प्रिपरेशन करेगा। तो चलो चेक करते हैं, तो अभी एसिड बनाते हैं, तो एसिड क्या बनेगा जब सल्फर नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा, तो ऑक्सीडाइज होकर के यहां पे जो एसिड का फॉर्मेशन करेगा वो होगा सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। आयोडीन जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो आयोडिक एसिड बनाएगा, HIO3 बोलते हैं इसको, ठीक है, आयोडिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, उसके बाद फास्फोरस जब रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ तो ऑक्सीडाइज होकर के फास्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, फास्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो देख लीजिए एसिड्स बन गया, अच्छा और क्या बनता था, वाटर भी बनता था, तो क्या बनता था, H2O बनेगा, यहाँ पे भी वाटर का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर भी वाटर का फॉर्मेशन होगा, साथ में और क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। तो भाई किसके ऑक्साइड बनेंगे, तो नाइट्रेट में नाइट्रोजन सब में है, तो नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड्स यहाँ पे रिलीज होंगे, क्या होंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो क्या क्या बन गया, एसिड बना, वाटर बना और साथ में ऑक्साइड का फॉर्मेशन भी हुआ। ठीक है, एसिड में जो नॉन मेटल होते हैं उसके ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अब रही बात बैलेंस करने की, तो बैलेंस कर सकते हो तुम, ठीक है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दे दो और यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दे दो और यहाँ पे क्या करते हैं कि 6 मॉलिक्यूल दे देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 6 नाइट्रोजन 6 नाइट्रोजन
18 ऑक्सीजन, 4 यहाँ पे और 2 6 और 6 दुना 12 18 हो गया आयोडीन। अब इसको कैसे बैलेंस करोगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम क्या करेंगे, HIO3 है, 2 और 3 है और यहाँ पे एक ही है, तो इसको रिएक्ट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको, और इसको हम 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 और 2 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, अब जाकर के ये इक्वेशन बिल्कुल भी बैलेंस हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, तो फॉस्फोरस यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो कितना है, 3 है। ठीक है, 3 और 2 5 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देते तो नाइट्रोजन 5 हो गया, तो नाइट्रोजन 5 हो गया। ठीक है, अब जाकर के मेबी ये रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। ऑक्सीजन कितने हैं, 15, तो यहाँ पे हो गया 4 4 और एक 5 और 10 15 हो गए। ठीक है, तो ये इक्वेशन बैलेंस है। तो हमने क्या देखा कि जब नॉन मेटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो वो एसिड इस नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट करवा देता है, साथ में वाटर और ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये तो थे सल्फ्यूरिक एसिड का जलवा, सॉरी नाइट्रिक एसिड का जलवा। अब बात करते हैं थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में भी बात कर लेते हैं कि क्या सल्फ्यूरिक एसिड भी सेम टू सेम ऐसा ही काम करता है। चलो चेक करते हैं, तो 3 इक्वेशन हमारा हो गया, बड़े ध्यान से समझते रहना, बोर मत होना। ठीक है, बाकी तो तुम्हारी मर्जी है, देखोगे अंत तक कि नहीं देखोगे, खैर जो भी है आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, मेरा काम जो है वो मैं कर रहा हूं, आप लोग अपना काम करो। ठीक है, और तभी जाकर के हम लोग इस देश का निर्माण करने में एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारा वो अगला रिएक्शन क्या है उसको भी देख लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो फॉस्फोरस है और ये जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, अरे यार इस शॉक को क्या हो जाता है। हाँ, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करेगा, जब ये फॉस्फोरस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो क्या बनाएगा, फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, साथ में यहाँ पे क्या होगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होगा। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होगा, तो चलो इसको बैलेंस करते हैं, 2 5, ठीक है, 2 ऐसा हो गया, तो 3 × 6 और 4 10 10 है, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, फॉस्फोरस 2 है तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये इक्वेशन मेरे ख्याल से बैलेंस हो चुका है। तो हमने अभी जस्ट देखा कि जब नॉन मेटल जो होते हैं, जितने भी नॉन मेटल होते हैं, ठीक है, सारे के सारे ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते हैं और सारे के सारे एसिड भी उनको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, केवल कुछ ही ऑक्सी एसिड है जिसके पास वो काबिलियत है इसको ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट करने का। तो हमने 3 तरीके पढ़े, अब चौथा और लास्ट तरीका भी पढ़ ही लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, एक ही वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे चारों मेथड ऑफ प्रिपरेशन को, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होने वाला है उसमें कोई डिफरेंट हम लोग पढ़ेंगे, मतलब डिफरेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन से हम लोग को छुटकारा मिल जाएगा। तो चलो तीसरा नंबर मेथड हो गया, फोर्थ नंबर मेथड क्या कह रहा है, ये जो चौथा नंबर मेथड है ये एसिड के फॉर्मेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, और ये बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, तो फोर्थ नंबर मेथड कहता है By displacement reaction, by the displacement of salts of more volatile, तो जो मैं तरीका बताऊंगा उस तरीका पे ध्यान देना, इसके लैंग्वेज पे ध्यान मत देना। more volatile acid और less volatile acid के पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, with लेस वोलाटाइल एसिड, ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग कैसे। यहाँ पे मैं मोर वोलाटाइल और लेस वोलाटाइल के बारे में बताऊंगा नहीं, यहाँ पे मैं बताऊंगा, हालांकि वोलाटाइल का मतलब होता है कि गर्म करने पर, हीट होने पर वो कितना जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में मैं बात करूंगा, ध्यान से सुनना। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें कि होता क्या है। तो यहाँ पे मैं रिएक्टिविटी के हिसाब से बताऊंगा, जैसा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने बताया था, सेम उसी तरह से। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या कहा यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ सॉल्ट ऑफ मोर वोलाटाइल, यानी कि यहाँ पे सॉल्ट किसका लेना है हमको, सॉल्ट ऑफ मोर वोलाटाइल एसिड। ठीक है, मोर वोलाटाइल एसिड से जो सॉल्ट बनेगा उसी को लेना है। जैसे अगर ध्यान से सुनना, NaCl है, तो NaCl अगर मैं पूछूं कि ये जो सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, वो कौन से एसिड और कौन से बेस के मिलने से बना होता, बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया हुआ था, प्लस माइनस में इसको तोड़ दो, तो सोडियम है प्लस और उसको चाहिए क्या, OH, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड,
और Cl है माइनस, तो माइनस को क्या चाहिए, H प्लस चाहिए, तो एसिड, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिलने से NaCl का फॉर्मेशन होता है। तो ये पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है कि कौन सा जो सॉल्ट है वो किस एसिड और किस बेस के मिलने से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्ट ऑफ मोर वोलाटाइल एसिड, यानी कि जो ज्यादा वोलाटाइल एसिड होगा उसका हम सॉल्ट लेंगे, तो हमारा सोडियम क्लोराइड इसमें से एक आता है, और साथ में यहाँ पे जो एसिड लेंगे वो लेंगे लेस वोलाटाइल एसिड। क्या लेंगे, लेस वोलाटाइल एसिड लेंगे। लेस वोलाटाइल का मतलब ये हुआ कि जो जल्दी से इवेपोरेट ना हो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, तो जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा और साथ में फॉर्मेशन करेगा मोर वोलाटाइल एसिड का। किसका, मोर वोलाटाइल एसिड का। ठीक है, मोर वोलाटाइल एसिड का। अब ध्यान से समझना, वोलाटाइल ज्यादा और कम का क्या लेना देना, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से लेना देना है। जो अगर कोई कहे कि ज्यादा वोलाटाइल कोई कंपाउंड है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा है, मतलब वो लेट से बॉइल होता है। अगर दो कंपाउंड है और दोनों में से एक कंपाउंड ए, मान लो कि ए और बी दो कंपाउंड है, ठीक है, तो उसमें से पहचानना है कि ए और बी में से ज्यादा वोलाटाइल कौन है। तो ध्यान से सुनना, अगर ए को तुमने उबाला और बी को भी तुमने उबाला सी लेवल पे, जहां पे एक्सटर्नल प्रेशर सेम होता है, ठीक है, तो जब तुम उबालोगे तो अगर ए कंपाउंड 80 डिग्री सेल्सियस पे उबला और बी कंपाउंड जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबला, तो 80 वाले को कहा जाएगा मोर वोलाटाइल। समझ में आई बात। तो शॉर्टकट में ये कह सकते हो कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो ज्यादा वोलाटाइल होगा, मतलब वो जल्दी भाप बन के उड़ जाएगा। समझ में आई बात, एकदम क्लियर है, बहुत आसान है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में और सल्फ्यूरिक एसिड में लेस वोलाटाइल सल्फ्यूरिक एसिड होता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड पावरफुल एसिड होने के साथ साथ उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी ज्यादा स्ट्रांगली मौजूद होता है। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो एग्जाम्पल के तौर पर एक सॉल्ट लेते हैं हम लोग NaCl। ठीक है, NaCl किससे बना हुआ हो तो आप लोग जानते होंगे, HCl एसिड के मिलने से और NaOH बेस मिलने से बना हुआ, यानी कि ये अगर इसके सामने हम, यानी कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना हुआ सॉल्ट है, ठीक है, तो इसके सामने हमको, इस सॉल्ट के सामने हमको रखना होगा लेस वोलाटाइल। तो लेस वोलाटाइल कौन होता है, अभी जस्ट मैंने बताया है कि सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ज्यादा वोलाटाइल होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि वो जल्दी उबल जाता है और ये लेट से उबलता है, इसीलिए लेस वोलाटाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा, जब इसको हीट करोगे तो क्या बनेगा, NaHSO4। ठीक है, साथ में क्या बनेगा, मतलब ये तो बना ही और साथ में एसिड भी बनेगा। ठीक है, एसिड का नाम होगा HCl। कैसे बना, अब चलो उसके मैकेनिज्म के बारे में जानते हैं। सोडियम क्लोराइड कैसे टूटेगा, एक्वस स्टेट में कैसे टूटेगा, एक्वस स्टेट में सोडियम क्लोराइड कैसे टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में टूट जाएगा। इज दैट क्लियर। अच्छा, ध्यान से सुनो, H2SO4 दो दो H प्लस को रिलीज कर सकता है, लेकिन पहले स्टेप में तो एक ही H प्लस को रिलीज करेगा ना, HSO4 माइनस। हाँ, इसको एक और, इसको अगर एक और कैटायन मिल जाएगा तो फिर बाद में जाकर के वो भी जो अपना H है वो भी रिलीज कर देगा, बट फिलहाल यहाँ पे एक ही कैटायन है। तो यहाँ पे क्या करेगा, हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाएगा और सोडियम जो है वो HSO4 के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना दिया, सॉल्ट। कैसा सॉल्ट है ये, एसिडिक सॉल्ट है, क्योंकि इसके पास अभी भी H प्लस को रिलीज करने की काबिलियत है और ये मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाइसल्फेट, और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ऐसा हुआ। अगर ध्यान से सुनना, इसका एक और कंडीशन में बताता हूं, इसी रिएक्शन का सेम दूसरा कंडीशन में बताता हूं। अगर यहां पे मैंने एक मॉलिक्यूल लिया तो यहां पे सोडियम बाइसल्फेट बन गया, अगर मैं यहां पे दो ले लूं, अगर ध्यान से सुनना, यहां पे मैं दो मॉलिक्यूल ले लूं तो यहां पे क्या होगा, दो दो Na प्लस निकलेगा, कितना निकलेगा, दो दो Na प्लस और 2Cl माइनस, तो यहां से कितना निकलेगा, अब यहां से दो एच प्लस निकलेगा, क्योंकि सामने में जितना एच प्लस, जितना कैटायन होता है एसिड भी उतना ही कैटायन को रिलीज करता है अपने अंदर से। ठीक है, तो यहां पे दो दो एच प्लस दो दो सीएल माइनस के साथ मिलकर के 2HCl का फॉर्मेशन करेगा और यहां जो NaH H दिखाई दे रहा था वो हटके Na2SO4 हो जाएगा, क्योंकि दो दो सोडियम अब अकेले सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा। सभी लोगों के समझ में आ रही होगी बातें, अगर आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना इस बात को, ठीक है, ताकि मेरा भी मेहनत जो है वो सफल हो जाए। तो हमने देखा कि सॉल्ट जो है लेस वोलाटाइल एसिड से, एसिड का जो सॉल्ट है जब वो मतलब मोर वोलाटाइल एसिड का जो सॉल्ट है
वो जब लेस वोलाटाइल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है यहाँ पे। और वैसे भी तुम देख रहे होगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एग्जांपल है, ठीक है। यहां से इसका कैटायन और यहां से इसका कैटायन एक दूसरे के जगह को एक्सचेंज कर रहा है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऑलरेडी हमने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं और भी कई सारे एग्जांपल्स की, और नोट्स में मैं और भी ज्यादा दे दूंगा, तो एक दो यहां पे मैं करवा दे रहा हूं और इसके बाद जो है मैं उसको नोट्स में मेंशन कर दिया हूं, तो वहां पे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही हमको बनाना था, किसी दूसरे एसिड को चलो बनाते हैं, जैसे कि बेरियम है, ठीक है। बेरियम क्लोरेट की बात करता हूं मैं, CLO3 का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं बेरियम क्लोरेट, ठीक है। तो जब ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ध्यान से सुनना क्या क्या बनेगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा, 2H प्लस देगा और SO4 2 माइनस देगा। पूछोगे क्यों, सोडियम के केस में तो एक हाइड्रोजन दिया था सर, यहां दो दो क्यों देगा, क्योंकि यहां जो बेरियम है ना उसपे प्लस टू चार्ज रहता है और सोडियम पे प्लस वन चार्ज रहता है, ठीक है। और क्लोरेट है तो CLO3 पे माइनस वन चार्ज होता है, क्लोरेट की संख्या कितनी है, दो है, ऐसा हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन जो है वो इसके जगह को एक्सचेंज करेगा और बेरियम जो है वो यहाँ पे सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसा ही होता है ना, ठीक है। तो क्या बन गया हमारा, बेरियम सल्फेट बन गया, क्या बन गया प्रोडक्ट, बेरियम सल्फेट, यही ना है सॉल्ट, प्लस क्या बनता है एसिड। तो एसिड क्या बनेगा, देखो CLO3 माइनस को एक हाइड्रोजन की जरूरत है, तो एक हाइड्रोजन एक HClO3 का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि इसी को बोलते हैं क्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे दो H प्लस है तो ये दो माइनस भी तो है, तो यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। तो क्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ ना, हुआ या नहीं हुआ, समझ में आ गई बात है। तो ये सब चीजें याद रखना, यानी कि एसिड के प्रिपरेशन के हमने चार बेसिक मेथड पढ़े और चारों के चारों काफी दमदार मेथड थे। अच्छा एक बात, मैं लास्ट में जैसा कि मैंने बोला था कि एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, इसके नोट्स तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दूंगा, एक आखिरी सवाल है मेरा कि क्या आप नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन, सल्फ्यूरिक एसिड का या फिर कुछ फेमस एसिड का आप इंडस्ट्रियल मेथड जानना चाहोगे पूरे तरह से डिटेल में, कि सर नाइट्रिक एसिड का बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड क्या होता है, इंडस्ट्री में नाइट्रिक एसिड को लोग बनाते कैसे हैं, मार्केट में कैसे आ जाता है। मार्केट में कोई भी एसिड आता है तो वो लैब मेथड से बन करके नहीं आता है, वो हमेशा इंडस्ट्रियल मेथड को आता है। और लैब मेथड की बात रही और इंडस्ट्रियल मेथड की बात रही तो दोनों में फर्क क्या है, तो मैं बता देता हूं कि लैब मेथड में यह देखा जाता है कि किसी चीज का प्रिपरेशन हो गया है नोबेल प्राइज लेने के लिए, ठीक है, उस पे एक्सपेंशन कितना हुआ है, कितना खर्च हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं होता, बन गया बस बन गया। लैब मेथड में इस बात पे ध्यान दिया जाता है कि भाई जो बना रहे हो एसिड वो ज्यादा होना चाहिए और कन्वीनियंटली होना चाहिए, मतलब सुविधाजनक तरीके से होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स तरीके से नहीं बननी चाहिए, और साथ में पैसा भाई कम लगना चाहिए, सीधी सी बात है, क्योंकि उसको प्रॉफिट कमाना है, इंडस्ट्री मतलब कमर्शियल बिजनेस के लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो जाहिर सी बात है दोनों मेथड अलग अलग टाइप के होते हैं। तो अगर आपको चाहिए ये वीडियो लेक्चर कि आप हर एसिड के मतलब प्रिपरेशन लैबोरेटरी में और साथ में क्या बोलते हैं इंडस्ट्री में कैसे होते हैं, इसके बारे में आप बता सकते हो, वीडियो डिटेल में बता सकते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मैं उसके लिए डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, ताकि उसमें कुछ एसिड्स के प्रिपरेशन के बारे में आप लोगों को नॉलेज हो सके, ठीक है। हालांकि इस मेथड से आप लोगों ने पढ़ा भी है, इसमें खिचड़ी पका हुआ है, लैब मेथड भी है और इसमें क्या बोलते हैं इसको कमर्शियल मेथड भी है, सारे के सारे एडेड है। बट आपको सिर्फ कमर्शियल मेथड चाहिए और लैब मेथड चाहिए अलग अलग तरीके से, क्यों वो कमर्शियल है, क्यों लेबोरेटरी मेथड है, सबको मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो जब तक आपको कमेंट सेक्शन में करना होगा फिर मैं बता दूंगा। तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एसिड और बेस से रिलेटेड जो टॉपिक्स है उसको क्लियर करते हुए, ठीक है। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन, जय हिंद, वंदे मातरम।